फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप नीलकमल फर्नीचर का शोरूम कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि डे बाय डे जो है फर्नीचर का डिमांड बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आप देख रहे हो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो है ऑफिसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, स्कूल्स कॉलेज बन रहे हैं, तो सभी जगह पर जो है फर्नीचर की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे में अगर आप फर्नीचर का शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीलकमल फर्नीचर को आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है कि नीलकमल जो है इंडिया का एक लीडिंग ब्रांड है फर्नीचर और मैट्रेस में, और ये जो कंपनी है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मॉल्डेड फर्नीचर का। और अभी के समय में 40 प्लस फ्रेंचाइजी जो है इनके अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है, और अभी भी ये कंपनी जो है अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर पैन इंडिया सर्च कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप नीलकमल फर्नीचर का शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो आपके आउटलेट में कितने प्रकार के जो है फर्नीचर अवेलेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे नीलकमल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने आउटलेट में लिविंग रूम में जितना भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारे फर्नीचर आप रख सकते हैं, बेडरूम के, डाइनिंग रूम का, होम ऑफिस का, किड्स फर्नीचर, मैट्रेस, इसके अलावा बहुत सारे यूटिलिटी यहाँ पे जो है अवेलेबल करवा सकते हैं अपने आउटलेट में। देन इसके बाद जो है यहाँ पे नीलकमल का प्रीमियम प्लास्टिक चेयर भी आता है, और इसके अलावा बहुत सारे जो है इसके फर्नीचर भी आते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है आपके आउटलेट में अवेलेबल रहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि कंपनी तरफ से फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया बनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, आपके पास में मिनिमम जो है 3000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, जिसका फ्रंट जो है मिनिमम 25 फीट का होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास में 1500 स्क्वायर फीट दो फ्लोर में एरिया है तो भी आप यहाँ पे कंसिडर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया है, आप जो है पूरी तरह से फिनेंशियली साउंड होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी जो है आपका पूरा बैकग्राउंड जो है पहले सर्च करती है, वेरीफाई करती है। अगर कंपनी को लगेगा कि आपका बैकग्राउंड जो है पूरा फिनेंशियली साउंड है तभी यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करेगी। इसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसके पास में पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए। अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है तो यहाँ पे कंपनी आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं करती है। यहाँ पे मेनली जो है यही तीन बेसिक क्राइटेरिया जो है कंपनी तरफ से आप लोगों को लिए दिया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन कौन से लाइसेंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे शोरूम को चलाने के लिए। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे जो लाइसेंस है आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, एंड जो दूसरा लाइसेंस है आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा लाइसेंस है आपको सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप इसी तीन लाइसेंस में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम रन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपको यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि नीलकमल जो कंपनी है आपसे किसी भी प्रकार का कोई फ्रेंचाइजी फी या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपसे नहीं लेती है। यहाँ पे जो भी आपका काम होगा कंपनी के साथ में पूरा कैश टू कैश काम होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को पूरा बाइफर्केट करें तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है आपको स्टॉक के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मिनिमम स्टॉक है आपको 30 लाख रुपए का परचेस करना पड़ता है कंपनी से। इसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर करवाने में आ जाएगा, तो इसके लिए जो है मैंने 5 से 10 लाख रुपए कंसिडर किया है। देन इसके बाद जो है आपको वर्किंग कैपिटल अपने पास में 10 लाख रुपए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको 50 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट आता है अगर आप नीलकमल फर्नीचर का शोरूम ओपन करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपको यहाँ पे नीलकमल कंपनी जो है कितना प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी आपको जो है हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्रॉफिट रेंज की बात करें तो आपको 15% से लेके 25% अलग अलग प्रोडक्ट पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको नीलकमल फर्नीचर शोरूम का फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी से अगर अप्रोच करना या अप्लाई करना तो इसके लिए कंपनी से आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी को अप्लाई करने के लिए आपको जो है नीलकमल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे फ्रेंचाइजी इंक्वायरी, आपको इसी पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। पहला यहाँ पे फुल नेम फिल कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे प्रेफरेंस लोकेशन आपको फिल करना है, और यहाँ पे आपका करंट टर्नओवर कितना है वो आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे सिटी नेम लिख देंगे,
यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप पहले से कोई दूसरी फ्रेंचाइजी रन करते हैं, अगर करते हैं तब यहाँ पे यस करें, और यहाँ पे अगर आपके पास में रिटेल स्पेस है तो यहाँ पे है तभी यस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। देन इसका जो है आपको यहाँ पे सेंड के बटन पे सेंड कर देना है। फ्रेंड जब ये आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो कंपनी को लगेगा कि आपका प्रोफाइल कंपनी के क्राइटेरिया से मैच करता है, तभी कंपनी आपको कॉल करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आप नीलकमल फर्नीचर का शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को जानकारी नहीं उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।